हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सामान्य सा प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे इनिशिएटिंग ऑटोकैड यूजर को होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉटम में यहाँ पे कमांड लाइन है, ओके। और अगर कमांड लाइन ये मिस हो जाती है तो आप लोग कैसे इसे अगेन लाएंगे? तो चलिए मैं इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कट पे क्लिक करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ, तो देख सकते हैं मैं इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई कमांड लाइन नहीं है, तो आप लोग इसे कैसे अगेन पा सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपने फर्स्ट मेथड है कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये आ जाएगा, ओके। देखिए कंट्रोल प्लस में 9 प्रेस किया तो ये आ गया, ओके। और सेकंड मेथड मैं बताता हूँ, फिर इसे मैं कट करता हूँ, कट करने के बाद यस, और देखिए फिर ये गायब हो गया, ओके। और यहाँ पे आपको कमांड लाइन कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है, ओके। CMND कमांड लाइन देखिए यहाँ पे आ चुका है, कमांड लाइन इस पर हम लोग क्लिक करेंगे आ जाएगा, ओके। और मैं एक और मेथड बताऊंगा जिसमें अगर ये दोनों मेथड फॉलो करके नहीं होता है तो उस मेथड से ज़रूर आ जाएगा, ओके। तो इसे मैं कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद मैं थर्ड मेथड की ओर मूव करता हूँ। तो उसके लिए आपको CUI इंटरप्रेस करना होगा। CUI मतलब कस्टमाइज यूजर इंटरफेस होता है, ओके। और इंटरप्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमाइजेशन इन ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे आप आएंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन डिफॉल्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है वर्क स्पेस कॉन्टेंट में, यहाँ पे आपको पैलेट्स पे पहले क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, ओके। और स्क्रॉल करके नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड लाइन आपको देखने को मिले, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सो में आपको यहाँ पे यस कर देना है, ओके। और यस करने के बाद पहले मैं एक बार इसे नो करके एक बार और इसे यस करता हूँ, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई आएगा, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, ओके। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है और इसके बाद आपको कट कर देना है। देख सकते हैं मेरा कमांड लाइन आ चुका है, ओके। और इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। और एक और मेथड मैं बताता हूँ जिसके मेथड से आप ला सकते हैं। चलिए मैं इसको कट करता हूँ, ओके। और कट कर दिया और आप अपने वर्क स्पेस को ही चेंज कर दीजिए, ओके। तो मैं 3D मॉडलिंग कर देता हूँ। 3D मॉडलिंग का देखिए यहाँ पे टूल्स आ गया और मैं फिर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे जाता हूँ, फिर से मैं वर्क स्पेस चेंज कर देता हूँ। तो देखिए मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे गया तो यहाँ पे मेरा आ गया, मेरा जो था पहले से कमांड लाइन वो आ गया। तो इस प्रकार आप लोग कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करके या कमांड लाइन कीबोर्ड से टाइप करके इंटर प्रेस करके ला सकते हैं, या वर्क स्पेस को चेंज करके आप लोग ला सकते हैं, या मैं एक और मेथड बताया CUI इंटर प्रेस करके उस मेथड से भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग कमांड लाइन को पा सकते हैं। तो मैंने आपको 4 मेथड बताया, इस तरीके से आप लोग कमांड लाइन को पा सकते हैं। क्योंकि अगर कमांड लाइन मिस हो जाता है जो कि बहुत सारे ऑटो कैड न्यू यूज़र होते हैं वो टेंशन में पड़ जाते हैं, भाई कैसे काम होगा कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।